आज मैं आपको भगवान शिव की 132 फीट ऊंची शिव प्रतिमा का दर्शन करवाने वाला हूं बिसाऊ से। तो आप देख सकते हैं भगवान शिव की 132 फीट ऊंची नीलकंठ महादेव की मूर्ति। तो भगवान शिव है वो भारतीय संस्कृति के सुपरस्टार हैं। उनका व्यक्तित्व है बहुत ही, वो देखने लायक है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बहुत ही अनोखे और अनूठे हैं भगवान शिव। तो ये भगवान शिव की 132 फीट ऊंची प्रतिमा का दृश्य आप बिसाऊ से देख रहे हैं। और इधर ये भारत का ध्वज है, वो फहरा रहा है। तो बिसाऊ का ये धार्मिक स्थल, पर्यटन और धार्मिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर शेखावाटी और आसपास के क्षेत्र के जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं वो एक बार दर्शन करने के लिए ज़रूर ठहरते हैं। महान ध्यानी, ज्ञानी, योगी भगवान शिव की प्रतिमा का ये दृश्य आप बिसाऊ से देख रहे हैं। भगवान शिव है वो बहुत ही अनूठी शख्सियत हैं। पूरी भारतीय संस्कृति के सुपरस्टार हैं। उनका व्यक्तित्व है वो पुरुष प्रबल है। आप देख सकते हैं कि भगवान शिव है, उनमें कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है। उनका आप जो व्यक्तित्व देखेंगे वो बहुत ही निराला और अनूठा देखेंगे। गले में सांप है, शीश पर चंद्रमा है और सिर से गंगा मैया बह रही है, और बहुत ही साधारण वेशभूषा है। तो भगवान शिव है वो अनूठे और अनोखे व्यक्तित्व के धनी हैं। उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। शक्ति है वो शख्सियत में होती है, शक्ति है वो इंसान में गुणों से होती है, चरित्र से होती है, न कि पहनावे से, कपड़े से। तो भगवान शिव से आप वो पौरुष प्रबल की शिक्षा ले सकते हैं। और श्रावण मास के सोमवार पर यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है और बहुत सारे श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए आते हैं। और महाशिवरात्रि का तो कहना ही क्या, यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर ये एक पर्यटन स्थल भी है और धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। और ये देखिए आप नज़दीक से नीलकंठ महादेव की 132 फीट ऊंची शिव मूर्ति, और बहुत ही मनोरम दृश्य है। श्रावण मास में बारिश का मौसम होता है, चारों तरफ हरियाली है और प्रकृति है वो पूर्ण रूप से विकसित है। तो इस धार्मिक स्थल का जो परिसर है वो बहुत ही हरा भरा है, सुंदर है, और भक्तों का है वो यहाँ पर मन लग जाता है। जब वो एक बार आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर कुछ देर ठहरते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं और एकांत में बैठते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य, बहुत ही सुंदर माहौल है। भगवान शिव का जो व्यक्तित्व है वो मन से प्रबल है। आप मन को दो टाइप से है वो काबू में कर सकते हैं, एक तो नशे से और दूसरा ध्यान से। और भगवान शिव में ये दोनों गुण हैं। उन्हें वो नशे के रूप में भी भांग धतूरा उन पर चढ़ाया जाता है, और ध्यान के रूप में तो उनका व्यक्तित्व प्रबल है। तो सबसे बड़े पुरुष के जो प्रबल शख्सियत हैं और भारतीय संस्कृति को जो रिप्रेजेंट करते हैं, इतने बड़े ध्यानी योगी भगवान शिव का ये महीना, श्रावण मास का महीना चल रहा है और चारों तरफ हरियाली है, प्रकृति है वो एक नया रूप ले रही है। तो भगवान शिव में आप ऐसा कुछ नहीं देखेंगे कि उनका व्यक्तित्व वो कुछ अलग हो। वो साधारण से वो वस्त्र धारण करते हैं, उनके हाथ में डमरू है, गले में सांप है, शीश पर चंद्रमा है, गंगा मैया बह रही है। तो बहुत ही प्रकृति से जुड़ा हुआ उनका व्यक्तित्व है। बहुत कुछ हमें वो सीखना चाहिए। और दर्शन करने का मतलब भी यही होता है कि हम अपने देवी देवताओं की शख्सियत देखें, उनका वो दीदार करें, तो उनकी शख्सियत, उनके व्यक्तित्व के बारे में भी सोचें और उनसे कुछ सीख लें, अपने आप में सुधार करें, अपना ध्यान बढ़ाएं और अपने आप को सही राह दिखाएं। तो इसीलिए ये दर्शन करने सार्थक तभी होते हैं। तो आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव का ये महीना बहुत ही पावन, ये आज का दिन है जो मैंने बिसाऊ में भगवान शिव की 132 फीट ऊंची नीलकंठ महादेव की मूर्ति के दर्शन किए। एकदम साधारण सी वेशभूषा है लेकिन शक्ति इतनी है अंदर कि पूरा ब्रह्मांड हिला दे। तो इस प्रकार की शख्सियत है भगवान शिव की, हमें उनसे सीखना चाहिए,
हमें भी वो फोकस के साथ वो आगे बढ़ना चाहिए, ध्यान पर ध्यान देना चाहिए, मन को केंद्रित करना चाहिए, भटकाव के रास्तों पर वो कम चलना चाहिए। आजकल मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ वो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, वो कम करना चाहिए और अपनी जो भी प्राचीन और पुरानी संस्कृति है उसके साथ जुड़ना चाहिए।